हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दावत। तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं खरबूजे की ऐसी नई सी रेसिपी कि आप बस ये वीडियो देखने के बाद ही इसे झट से बना लेंगे। बस 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये वीडियो बनती है, ये रेसिपी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक खरबूजा लेना है। इसके अंदर के जो बीज होते हैं गाइस, इन्हें हम लोग इस तरह से एक बाउल में निकाल लेंगे। इसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बाद में मैं आपको वो भी बताऊंगी। और आपको ये जो खरबूजे के अंदर का जो पल्प है, इसे निकाल कर इस तरह से मिक्सी जार में डाल देना है, देखिए इस तरह से। और ये चम्मच से अगर हम लोग करते हैं ना, तो बहुत ही इजीली हो जाता है, देख ही सकते हैं आप लोग। अगर हम लोग खरबूजा कट करते हैं तो थोड़ा सा उसमें टाइम ज़्यादा जाता है, लेकिन चम्मच का मदद करके इस ट्रिक से आप लोग ये आसानी से छील सकते हैं। इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हमने चीनी मिला दी है, और इसी के ही साथ में 1 कप एकदम ठंडा वाला चिल्ड मिल्क भी हमने डाल दिया है। बस हमारा ये खरबूजे का शेक यहाँ पर तैयार है। इसे हम लोग खरबूजे के अंदर ही सर्व करेंगे, देखिए। और इसके अंदर मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम, और साथ ही साथ में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हम लोग डाल देंगे, और थोड़े से यहाँ पर कलरफुल शुगर बॉल्स भी हम लोग डाल देते हैं। देखिए हमारी खरबूजे की एकदम समर स्पेशल ठंडी ठंडी रेसिपी तैयार है। आप लोग भी ज़रूर एक बार इसे ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है गाइस, और एकदम ठंडी है, चिल्ड है। आइसक्रीम भी हमने इसमें यूज़ किया है, और ख़ास करके ये हेल्दी भी है, क्योंकि खरबूजे का शेक है तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। फ्रूट्स वैसे भी खाए नहीं जाते, तो आप लोग इस तरह से शेक्स वगैरह बनाकर उसे खा सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा रेसिपी, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी है, हमेशा की तरह पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक नई सी वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और हाँ, जो खरबूजे के बीज है उसे आप लोग अच्छी तरह से धोकर, धूप में सुखाकर, थोड़ा सा नमक वगैरह लगाकर उसे उस तरह से खा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा क्रंची और टेस्टी लगते हैं। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।